नमस्ते सत श्री अकाल। आज हम लोग एक क्विक प्रसाद थाली तैयार करेंगे। अगर आप वर्किंग वूमन है, आपके पास टाइम नहीं होता है, फिर भी आप इसको बना सकते हैं। काफ़ी इजी रेसिपी है। लेस रोल चने का सब्जी बनाएंगे। तो चने को हम लोगों ने 2 घंटे तक भिगो के रख दिया था, या फिर आप ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें नमक हल्दी इसमें ऐड करेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे। हम लोग इसमें आलू भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग भंडारे के आलू की सब्ज़ी भी बनेगी, इसीलिए हम लोग इसमें आलू भी दे दिए। साथ ही साथ सब कुछ बॉयल हो जाएगा और एक साइड में बॉयल करने के लिए बिठा देंगे। और इसमें हम लोग आटा ले लेंगे गूंदने के लिए, पूरी बनाने के लिए, जहाँ पे आपको आटा में ऑयल, नमक और कसूरी मेथी से आपको एक टाइट सा डो बना लेना है। आहुति देने के बाद चलिए हम लोग रेसिपी बना लेते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो हम लोग पहले चना का भुजिया बनाएंगे। तो पहले मम्मी क्या करेंगे? पहले हम तेल डाल लें हैं, जीरा डालेंगे, हींग थोड़ा सा, ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा अदरक, चना ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी। अच्छे से मिलाने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करने के लिए धीरे धीरे हम लोग फ्राई करेंगे इसको। अभी इसको हम दूसरा साइड ले जाते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग आलू करेंगे, वहाँ यहाँ पे चना सब्जी बनेगा, और यहाँ पे जो भंडारे वाले जो आलू है उसका सब्जी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, धनिया 2 टीस्पून। अभी इसको दरदरा हम लोग कूट देंगे। देखिए अब ये दरदरा कूट लिए हैं, ये अब रेडी। चना भुजिया अभी रेडी है, ज़्यादा भूनने से ये अच्छा नहीं होगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मम्मी ने लिया है, और घी 2 चम्मच के करीब हम लोग लेंगे, ग्रीन चिल्ली, हींग थोड़ा सा, अदरक। मम्मी ने जो मसाला कूटा था उसको अभी ऐड, टमाटर ऐड कर रही है। अच्छा, इसमें पानी हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद फिर हल्दी, रेड चिली पाउडर, जो टमाटर है इसी में ही आपका बॉयल हो जाएगा, और धनिया पाउडर अभी ऐड करेंगे, इलायची और 4-5 शायद लौंग, और एक दालचीनी को मम्मी दरदरा सा कूट लेंगे। फिर इसको ऐड कर देंगे। फिर ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है भंडारे के आलू में। मसाले को अच्छे से भून लीजिए। इन द मीनवाइल मम्मी ने इसको हाथ से क्रश कर लिया है, थोड़ा सा आलू, जो इतना आलू हम लोग बॉईल किए थे उसको क्रश कर लिया है। और यहाँ पे हम लोगों का मसाला भून रहा है, और ये हम लोगों का रेडी हो चुका है। और धनिया पत्ता भी मम्मी काट के रख दे रही हैं। अब ये भून चुका है, क्योंकि ऑयल इसमें से निकलना स्टार्ट हो गया है फिर मम्मी क्या करेंगे? फिर वही आलू मास जो किया है उसको डाल देंगे। अच्छा, स्वाद अनुसार नमक, पानी ऐड करेंगे, जो कि मम्मी ऐड कर रही हैं, ये गर्म पानी ऐड कर रही हैं। अब अच्छे से मिला लेना है, और इसको 5 मिनट के लिए आपको बॉइल करना है। देखिए ये अब हो गया है, गरम मसाला डालेंगे। अभी इसके लिए तड़का प्रिपेयर करेंगे। अभी मम्मी यहाँ पे घी ऐड कर रही हैं तड़का देने के लिए, हींग ऐड करेंगे,
रेड चिली पाउडर और इसको हम लोग तड़का देंगे। याद रखिएगा तड़का देते ही आपको कवर कर लेना है ताकि वो अरोमा उसी के अंदर रहे। जो चना भुजिया मम्मी बनाई थी उस पे धनिया पत्ता और इसमें भी जो भंडारे के आलू है इसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे धनिया पत्ता। सब कुछ तो बन गया पर पूरी मम्मी को तलना था तो पूरी मम्मी ने तल दिया तो मैंने इसको इतना कुछ खास दिखाया नहीं पर थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स यहाँ से लिया है। फिर हम लोग इस सारी चीज़ें तो बन गए हम लोगों का ऑलमोस्ट, तो हम लोग अभी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो केला रखा है और लड्डू हम लोग रखेंगे, फिर हम लोग जो चना सब्जी बनाए थे उसको रखेंगे और ये मम्मी निकाल रही हैं जो भंडारे वाले आलू है उसको हम लोग रखेंगे। उसके बाद एट द लास्ट हम लोग पूरी भी रख देंगे। ये हम लोगों का थाली क्विक थाली रेडी हो गया। अगर आप वर्किंग वूमन हैं आप इसको आधे घंटे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम।